दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं वो लेबर इंस्पेक्टर का है, पोस्ट कोड 629। ये एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को हुआ है, 24 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, ये ऑफिशियल आंसर की से ही मिला रहा हूँ, अगर कोई गलत होता है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका एग्ज़ाम था तो क्लेम कीजिएगा। ये शायद 1 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं HBPSC की वेबसाइट में जाके, ठीक है, मेल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल इससे पूर्व नहीं था। इन इंडिया द नियोलिथिक एज इज नॉट अर्लियर देन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6000 BC बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा काल के दौरान गुजरात का भीतरी शहर था? बनवाली, रोजरी, कालीबंगन, लोथल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकेंड का ऑप्शन बी, रोजरी। ठीक है, अमरी संस्कृति फली फूली अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कच्छ क्षेत्र में, सिंध में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिंध में। तो एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एंशियंट इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इंडिया, ठीक है, तो वहाँ बहुत अच्छे से देख लीजिए, हेडलाइंस टाइप का देख लीजिए, जो भी एंशियंट इंडिया है वहाँ से हिस्ट्री को इस तरह से देख लीजिए, जो की पॉइंट्स होते हैं ना हिस्ट्री के, उन चीज़ों को देख लेंगे तो की पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर इस लेवल पे। ठीक है, सिविल सर्विस के लेवल पे तो थोड़ा डीप पूछते ही हैं, लेकिन हाँ क्लरिकल के लेवल में हेडलाइंस जो होते हैं ना, की पॉइंट्स जो होते हैं सब्जेक्ट के, वो ही पूछे जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आरण्यक तथा वन ग्रंथ समरूप स्वरूप संबंध है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है फोर्थ का वो है ऑप्शन ए, ये ब्राह्मण से रिलेटेड है। ठीक है, आरण्यक और वन ग्रंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन स्मृति के अनुसार महावीर के तत्कालिक पूर्ववर्ती कौन था? तो दोस्तों जो पांचवे का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पाशर्व। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघट नाम से भी जाना जाता था? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, जो ये उपाधियां वगैरह होती है ना राजाओं महाराजाओं की पुरानी, तो वो चीज़ जरूर पूछते हैं कि वो ये कौन सा राजा इस नाम से इस ये उपाधि हासिल की थी। तो मतलब हो सके तो कहीं पे आप सर्च करके या आप क्लिक करके कलेक्ट करके 15 से 20 ऐसी उपाधियाँ देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछी ही जा रही है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है सिक्स्थ का वो है ऑप्शन बी, अमित्रघट के नाम से जाना जाता था बिंदुसार। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे राजाओं के द्वितीय नाम भी है इस तरह से, तो उन चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो सातवें का जो राइट आंसर है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो सातवें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिमुक था। ठीक है, सातवाहन राजवंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था? सिमुक। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसके हाथों पराजय झेलनी पड़ी? शशांक, भास्कर वर्मन, पुलकेश सिंधुतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आठवें का वो है ऑप्शन सी, पुलकेश सिंधुतीय। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसके शासन के दौरान दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ? तो दोस्तों जो नवे का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान के दौरान। ठीक है, दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था रजिया सुल्तान के दौरान, नाइन्थ का बी। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर के अनुरोध पर भारत में स्थापित शासक राजवंश था? द रूलिंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ तैमूर वाज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दसवें का तो वो है ऑप्शन बी, सैयद। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, पूर्ण मार्बल फेंसिंग वाली प्रथम मुगल इमारत थी? हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, एतमादउद्दौला का मकबरा। तो दोस्तों जो 11वें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एतमादउद्दौला का मकबरा। किस गवर्नर जनरल ने मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय प्रदान की? तो दोस्तों 12वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। किस कवि को अकबर के काल के दौरान फारसी का प्रतिभा संपन्न लेखक माना जाता था? तो दोस्तों 13वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस राजपूत शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो दोस्तों जो 14वें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर,
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 15 का वो है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। के दौरान भारतीय सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह किया? किसके? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, रोहिल्ला युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1882 में कारावास भुगतने वाला प्रथम भारतीय था? सी विजया राघवाचार्य, विजी तिलक, जी के गोखले, गोविंद, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 17 का वो है ऑप्शन ए सी विजया राघवाचार्य, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो दोस्तों जो 19 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास दिल्ली के लाल किला में किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों जो 20 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1945 में प्रथम राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास दिल्ली के लाल किला में हुआ। मुख्यतः चिकनी मिट्टी से निर्मित शैल कहलाती है। तो दोस्तों जो 21 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मृत्तिकाय काम्य शैल, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। नापे जटिल डैश डैश का परिणाम है? तो नापेज आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ पे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे लगता है कि क्लरिकल में 692 20 के करीब क्वेश्चन आ ही सकते हैं, 15 से कम तो रहेंगे ही नहीं हिस्ट्री के, जिसमें कि एंशियंट इंडिया काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है क्लरिकल में मॉडर्न इंडिया ज़्यादा है, कोई पता नहीं है, मेडिवल ज़्यादा है, कोई पता नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, और साथ के साथ बता दूं कि पीएचडी के यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चनों के वीडियो भी है और सब्जेक्ट के भी है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मॉक टेस्ट भी है, तो मॉक टेस्ट पे लगभग 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लगभग उसमें कुल मिला के अगर प्रश्नों की बात करूँ तो 20 के कम से कम 1200 प्रश्न हो चुके हैं, और सारे ही प्रश्न वो हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए। मैं किसी किताब का किसी किताब का उपयोग नहीं करता हूँ क्वेश्चनों को लेने के लिए, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पेपर को देखता हूँ और वहाँ से ही क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल के हो, इकोनॉमिक्स के हो, जो भी हो, सभी प्रश्न मैं इधर उधर से क्वेश्चन पेपर से ही लेता हूँ, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 भूकंप इसका परिणाम है? तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी आकस्मिक संचलन, सडन मोमेंट्स, द अर्थक्वेक आर द रिजल्ट ऑफ सडन मोमेंट्स, ठीक है। कौन सा चक्रवात मध्यम उच्च अक्षांश का प्रतिरूप है? द साइक्लोन इज टिपिकली मिडल एंड हाई लैटिट्यूड्स। दोस्तों 24 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तापमान चक्रवात, टेम्परेचर साइक्लोन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंगनी घुमावदार पवन वाले कीप आकार के बादल कहलाते हैं? फ्यूनल शेप्ड कलर्ड क्लाउड विद वायलेट व्हिर्ल विंड्स इज नेम एज। तो दोस्तों जो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टॉर्नेडो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। टॉर्नेडो ये राइट आंसर था 25 का। 26 रिनेल धारा पाई जाती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो दोस्तों ये धाराओं वाला एक प्रश्न आ ही रहा है, पिछले एक दो एग्जाम में देख लिया, जो कंटिन्यू एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे एक धारा वाला क्वेश्चन आ ही रहा है कि कौन सी धारा कौन से महासागर से मिलती है। तो दोस्तों जो 26 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पादपों और प्राणियों की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती है? तो इससे पहले जो एग्जाम में आया था वो थे आई थी कैरिबियन धारा की, को कौन से महासागर में मिलती है, तो आपको पता है वो भी अटलांटिक महासागर में आती है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों और प्राणियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण वनों में, मानसून वनों में। तो दोस्तों द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन द, तो दोस्तों जो 27 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड,
ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में पादपों बोले तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। याकूत पाए जाते हैं, याकूत्स आर फाउंड इन, तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साइबेरिया में। द एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ आइज इज फाउंड इन, आंखों का एपिकेंथिक कोल्ड पाया जाता है, तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोंगोलोइड्स में। ठीक है, सू कैनाल अवस्थित है, सू जो कैनाल है, नहर है, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, तो 30वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनाडा में। ठीक है, सू नहर कहाँ स्थित है, कनाडा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कहलाती है, तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार ही आ रहा है, हर एग्जाम में ही आ रहा है ये वाला प्रश्न, इतने लायक इस प्रश्न में क्या है, जो अभी यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं दिया है कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नाई मोड़ी जो है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, पिछले एग्जाम में उसमें ऑप्शन में दिया था, उससे मतलब कई सारे एग्जाम देख लिए मैंने, साउथ इंडिया की सर्वोच्च चोटी पूछी ही जा रही है हर एग्जाम में। ठीक है, तो साउथ इंडिया के जो ये पर्वत पुर्वत है इन चीज़ों को देख लीजिएगा, और थोड़े से जो भी वहाँ पे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कोरोमंडल ये सब बैरा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है यहाँ से। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब से नहीं गुजरती है, तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। ठीक है, पूर्वी अवनमन, तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, 33 का राइट आंसर देख लेते हैं। पूर्वी अवनमन विकसित होता है, द ईस्टर्ली डिप्रेशन डेवलप ओवर द, तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में क्रिएट होता है पूर्वी अवनमन, विकसित होता है अर्लियर डिप्रेशन डेवलप ओवर द बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34, निम्न में से मिट्टी के किस प्रकार को केरल में करी कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप कॉल्ड करी इन केरला, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो होगा ऑप्शन ए, पीटमय लवणीय मृदा, पीट सेलिन सॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां इसके पार्श्वों से आगे बढ़ती है, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या राजमहल पर्वत, तो दोस्तों जो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ से भी नर्मदा वाले क्वेश्चनों से, नर्मदा वाला जो एरिया है इधर से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, सतपुड़ा रेंज वाला आसपास के। ठीक है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं नर्मदा नदी से जुड़े हुए, तो उन चीज़ों को देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और शेयर किए हुए हैं आपके साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुजरात। निम्न में से कौन सा स्थान सागौन संग्रहण का एक मुख्य केंद्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज नॉट ए चीफ सेंटर ऑफ टिक कलेक्शन, तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद नहीं है, बाकी सभी जो सेंटर है जबलपुर, चंद्रपुर, बलहरशाह, ये सभी टीक के संग्रहण केंद्र है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रवि खरीफ और जायद की जो फसलें होती है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो देख लीजिएगा और डिस्कस भी किया है अपने वीडियो में। तो 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, जौ। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, जौ नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो जौ होती है वो होती है रवि की फसल, जौ हो गया आपका और गेहूं हो गया, ये सभी रवि की फसलें होती है। ठीक है, ये खरीफ की फसलें कौन कौन सी, चावल, ज्वार, तिल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में कितने रेलवे जोन है, तो शायद मेरे ख्याल से 19 है या 17 है, ऐसे कुछ है, आप कंफर्म कर दीजिएगा। कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट विद्युत आपूर्ति करता है महाराष्ट्र को, केरल को, गुजरात को या आंध्र प्रदेश को, तो 240 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को। कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को विद्युत आपूर्ति पर्याप्त उपलब्ध करवाता है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का चेयरमैन कौन था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 41 का वो है ऑप्शन डी, सरदार पटेल थे,
जो राज्यों का विलयीकरण किया जा रहा था, सिर्फ कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल जी ने किया था, बाकी कश्मीर का आपको पता ही है नेहरू जी ने किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूएसए से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रावधान करता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में पंचायती राज से कोई ना कोई एक या कई बार तो तीन तीन क्वेश्चन टपक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आया है, कितना आया वो देखेंगे। 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40, जो DPSP में अनुच्छेद 40 में इस चीज़ की बात की गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, 44 की ओर। मूलभूत अधिकार नहीं दिए गए हैं, दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशी को, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को, राजनीतिक हानि उठाने वाले को, मूलभूत फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फाइनेंस कमीशन। जो दोस्तों इसका राइट आंसर है पॉलिटिकल सफरर्स, ठीक है, राजनीतिक हानि उठाने वाले वाले को। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा की जाती है, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट्स फिस्कल रिलेशन आर मेड बाय द। तो दोस्तों इसका जो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वित्त आयोग ही रिकमेंड करता है, जितनी भी डिमांड्स होती हैं स्टेट्स वगैरह की वो सभी चीज़ें वित्त आयोग रिकमेंड करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या रहती है? तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही मानी जाती है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु में ये रिटायरमेंट हो जाती है इनकी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जितने भी केंद्र सरकार के जो पद है, कैग हो गया आपके, ठीक है, और AG हो गए आपके, अटॉर्नी जनरल हो गए, ठीक है, इन लोगों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 वर्ष है, और शायद सुप्रीम कोर्ट के जज की भी यही है, ठीक है, 65 वर्ष, और जो स्टेट की है वो शायद 63 वर्ष है, 63 वर्ष या 62 वर्ष है, कंफर्म कीजिएगा, 62 होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के विघटन के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब डिसॉल्व होती ही नहीं है राज्यसभा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शून्यकाल की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, निर्धारित नहीं है। कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, मतलब वो उनकी इच्छा पे निर्भर रहता है कि वो उनको कब तक राज्यपाल रखें, कब हटाना चाहें वो हटा सकते हैं, ये उन पे अधिकार होता है राष्ट्रपति पे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर आपने PhD के YouTube के वीडियो देखे होंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे वीडियो से मिले, बाकी ये सब चीज़ें तो और ज़्यादा मिली होगी जो मैं बताता हूँ कि यहाँ से जरूर पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जी सर हेल्प हुआ था आपके वीडियो से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन पारित किया गया था? तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी एक तानाशाह बन चुकी थी। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते प्रभारित किए जाते हैं? तो दोस्तों 52, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये राज्यपाल से जुड़ा हुआ, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को इस क्वेश्चन में, कई सारे लोग सही करके आते हैं, कई सारे लोग गलत करके आते हैं, सारे ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है अंग्रेजी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक। तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वैधानिक निकाय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भर्ती और सभी सेवा मामलों से।
केंद्रीय भर्ती अधिकरण संबंधित है, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स, ठीक है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। राष्ट्रीय आय को इससे भाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या। पर कैपिटा इनकम इज ऑप्टेंड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। राष्ट्रीय आय को किससे भाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, ठीक है। व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने वाली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1999 में। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो 1999 में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे संपर्क में रहती हैं, तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्य सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे संपर्क में रहते हैं राज्य सहकारी बैंक के, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि उन्नत के लिए सर्वोत्तम रहा है, 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 60 का, ठीक है। भारतीय योजना का कौन सा दशक, 60 का दशक कृषि के लिए उन्नत सर्वोत्तम रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। बंधक मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब बना, कई बार क्वेश्चन ये डिस्कस किया है मैंने, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 60 का है ऑप्शन डी, 1976 में द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट वाज लेजिस्लेटेड, ठीक है। 61 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी सिद्धांत का वर्णन करने वाले पुस्तक किसने लिखी थी, हु रॉट ए बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आपको मालूम होना चाहिए, दादा भाई नेहरू जी ने, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संगठन की विशेष रूप से स्थापना की गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशली सेट अप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। भारत सरकार ने फेरा किससे प्रतिस्थापित किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड फेरा बाय, तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेमा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। निम्न में से कौन सी बैंकिंग संबंधित व्यवस्था नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम, 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रेजरी प्रचालन, ट्रेजरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर शुल्क नहीं है, तो दोस्तों 65 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टोल टैक्स, ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, बाकी इनकम टैक्स और एजुकेशन सेस और सर्विस टैक्स ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयपुर राजस्थान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड, तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। गुरुत्व की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में होता है, द बॉडी फेलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हैज, तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शून्य भार, नो वेट। कार्य करने की दर कहलाती है, 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शक्ति, पावर। रेडियोथेरेपी में एक्स किरणों का प्रयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है, इन रेडियोथेरेपी एक्स रेज आर यूज टू डिटेक्ट, तो दोस्तों 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैंसर।
बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉपर और टीन की। ये मिश्र धातु से प्रश्न भी आता ही है। डिटर्जेंट है एक, डिटर्जेंट इज ए क्लींजिंग एजेंट, सोप, कैटलिस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो 72 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शोधन अभिकर्मक, क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लपेटन के लिए प्रयुक्त सेलोफेन है एक। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, पुनर्योजित सेल्यूलोज, रीजनरेटेड सेल्यूलोज। सेलोफेन यूज्ड फॉर रैपिंग इज ए रीजनरेटेड सेल्यूलोज। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिफाइमिसिन किस रोग के उपचार की औषधि है? रिफाइमिसिन इज ड्रग टू क्योर। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस। निम्न में से कौन सा एक ताप दृढ़ी थर्मोसेटिंग पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग मटेरियल। तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैकेलाइट। व्यावसायिक चाय तैयार की जाती है जड़ों से, पुष्प से, पत्तियों से या तने से? तो 76 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पत्तियों से, लीव्स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अंडपीतक का मुख्य संगठक है? तो दोस्तों 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वसा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एग योल्क्स इज फैट। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। पितरस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो दोस्तों 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यकृत, लीवर द्वारा। ठीक है, व्यावसायिक प्रयोग के लिए केसर प्राप्त की जाती है? द सेफ्रॉन फॉर कमर्शियल यूज इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो 80 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। किसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा? ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अक्योर इन द अब्सेंस ऑफ। तो 81 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, कैल्शियम। इसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता है, कैल्शियम की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ किसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ विदाउट विच वन कैन नॉट लिव इन इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 82 का वो है ऑप्शन बी, प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फूल गोभी, दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में? तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए। ये थे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः क्वेश्चन है, जिसमें कि रैंकिंग के दो क्वेश्चन आए हुए हैं, और घड़ी वाला भी आया हुआ है, और एक रिलेशन वाला आया हुआ है, और ये अल्फाबेटिकल जो आर्ट कोडिंग होती है ये आए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा, छः क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है ज़्यादा आए हैं क्लरिकल में, लेकिन फिलहाल छः आए हैं। तो 90 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा एक विशेष से भिन्न है? तो 90 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ट्यूलिप। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? मैरी गोल्ड, ट्यूलिप, लोटस, रोज। तो इसमें से दोस्तों ट्यूलिप डिफरेंट है। भारत का प्रथम ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। 91 का दोस्तों क्या है? ए, छत्तीसगढ़। शायद मैंने डिस्कस भी किया है करंट अफेयर्स के वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा होगा। पुस्तक बस्तर डिस्पैचेस अ पैसेज थ्रू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 92 का वो है ऑप्शन डी, नरेंद्र। इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो 93 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वडोदरा। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था वीडियो में करंट अफेयर्स के।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई सिगरेट के निर्माण, विक्रय और स्वामित्व को प्रतिबंधित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोसेशन ऑफ ई सिगरेट? तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने 94 का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। लोकसभा आचार शास्त्र समिति का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ लोकसभा एथिक कमेटी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 95 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, एलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन सी भारतीय खिलाड़ी महिला क्रिकेट में 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली प्रथम गेंदबाज बनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 96 का वो होगा ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी, 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली प्रथम गेंदबाज बनी है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को हाल ही में यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर बायोमार्क्स की पहचान के लिए आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुल चिन्मया, चिन्हैया, ठीक है, तो अरुल चिन्हैया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। यूएस आधारित फर्म कोरोनोस इनकॉर्पोरेटेड द्वारा संस्कृति अध्ययन सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक कठोर कार्य करने वाला देश है? तो दोस्तों 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत। द कंट्री इज वर्ल्ड्स मोस्ट हार्डेस्ट वर्किंग कंट्री एज पर कल्चर स्टडी सर्वे ऑफ यूएस बेस्ड फर्म कोरोनोस इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर विश्व का कठोर कार्य करने वाला देश है भारत, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बार्क ने हाल ही में किस नाभिकीय रिएक्टर का उन्नत वर्जन पुनः प्रारंभ किया है? बार्क हैज रिसेंटली रिकमिशनड एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विच न्यूक्लियर रिएक्टर? तो दोस्तों 99 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्सरा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने हाल ही में आवश्यक सरकारी सेवाओं की दिल्ली आपूर्ति के लिए भारत की पहली योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली ने। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्कीम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो दिल्ली ने किया था। नोमैडिक एलिफेंट 2018 इज एन आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच है भारत के साथ? तो दोस्तों 101 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगोलिया के साथ भारत का ये एक युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच सर्वप्रथम त्रिपक्षीय बैठक हाल ही में किस शहर में संपन्न हुई? तो पहली बार हुई थी इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों 102 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काबुल में, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार किस देशी निर्मित वायुयान में आकाश में सफलतापूर्वक ईंधन भरा? तो दोस्तों 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेजस में, ठीक है। किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को हाल ही में उत्कृष्टता के लिए मेरिल स्ट्रिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 104 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या राय बच्चन को मेरिल स्ट्रिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएस ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 105 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया भी था कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, और बताया भी था यूएस ओपन, तो नोवाक जोकोविच ने ये यूएस ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब जीता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 12वें एयरो इंडिया 2019 का आयोजन स्थल होगा? तो दोस्तों 106 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। IAAF कॉन्टिनेंटल कप में मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा? तो दोस्तों हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन एन मेडिकल IAAF कॉन्टिनेंटल कप? तो दोस्तों जो 107 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपरिंदर सिंह, हो सकता है आगे भी एग्जाम में पूछा जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 108 का है वो है ऑप्शन डी, रेखा शर्मा। डिस्कस किया है क्वेश्चन, शेयर किया है। न्यायाधीश गीता मित्तल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताए हुए हैं। 109 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। शायद अलग अलग वीडियो में बताए लेकिन बताए जरूर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीता मित्तल, आगे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम जेनेटिक बैंक हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों जो 110 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हैदराबाद। इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक बैंक ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, वो हैदराबाद में। कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण अवस्थित है। तो दोस्तों 111 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोडू में। शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ। दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन 627 में भी आया था क्लरिकल में ये क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है 112 का वो है ऑप्शन ए, 1850 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों 113 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडी जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुंजुम दर्रा प्रसिद्ध है स्पीति घाटी का, कुल्लू घाटी का, कांगड़ा घाटी का, पांगी घाटी का। तो दोस्तों 114 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पीति घाटी का। हत्तू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, हाटू चोटी, हाटू पिक। तो दोस्तों 115 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। तो दोस्तों 116 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंबा से। छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है चंबा से। बढ़ते अगले क्वेश्चनों की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। तो दोस्तों 117 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। खीर गंगा गर्म पानी का सोता अवस्थित है। खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन। तो दोस्तों 118 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुल्लू में। 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था। तो दोस्तों 119 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सैफ अली खान। बॉलीवुड वाले नहीं, मुगल गवर्नर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चनों की ओर। द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य में सिखों को किसने खदेड़ा। तो दोस्तों 120 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राम सिंह ने खदेड़ा। नगरकोट किसके शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी। तो दोस्तों 121 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कटोच वंश की। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। दोस्तों 122 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यायाधीश TVR टाटाचारी। क्वेश्चन डिस्कस किया है वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला भ्रातृ बहुपति प्रथा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 123 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा। चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र था ज्वालामुखी, सुजानपुर, कांगड़ा या बैजनाथ। तो दोस्तों 124 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुजानपुर। त्रिलोकपुरी मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है। त्रिलोकपुरी टेम्पल हाउसेज आर आइडल ऑफ। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है 125 का वो है ऑप्शन सी, त्रिपुर बालासुंदरी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है। शिवालिक, कुल्लू वैली, अल्पाइन जोन या फिर अंतर हिमालय, इनर हिमालयस। तो दोस्तों 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक हिल्स। ठीक है, नींबू वंश की किस्म के लिए। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 127 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिमला में। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। इन विच ईयर HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज सेट अप। तो दोस्तों 128 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1975 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों 129 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिमला, निम्न में से। ठीक है, 130 किस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। तो दोस्तों 130 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
1951 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नोला लोक नृत्य किस घाटी में किया जाता है? तो दोस्तों 131 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंबा में। बहादुरपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों 132 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर में। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों 133 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज अबव, सतलुज, ब्यास, चिनाब, ठीक है, ये सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात है? तो दोस्तों 134 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 972। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के प्रथम सदस्य थे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है 135 का वो है ऑप्शन ए, चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वेतन संदाय अधिनियम लागू होता है, द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट इज एप्लीकेबल टू? तो दोस्तों 136 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चनों की ओर। बाल श्रम उन्मूलन पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया था? फैक्ट्री अधिनियम 1947, फैक्ट्री अधिनियम 1881, फैक्ट्री अधिनियम 1883। तो दोस्तों 137 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैक्ट्री अधिनियम 1947 में। तो मतलब एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ओ सॉरी, इसका राइट आंसर है 137 का ऑप्शन सी, फैक्ट्री अधिनियम 1883 से, ठीक है। तो ये बाल श्रम से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन है, एक ही इसमें आए हुए हैं, एक ही एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कार्य के 8 घंटों का अनुबंध, प्रथम अनुबंध प्राप्त किया। इंडिया रिसीव्ड द फर्स्ट स्टिपुलेशन ऑफ 8 आवर्स ऑफ वर्किंग। तो दोस्तों 138 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, देख लीजिएगा क्या है। निम्न में से कौन सी सुविधा कर्मचारियों के उचित एवं सुखदायक कार्य दशा के लिए मुहैया नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 139 का वो है ऑप्शन डी, आवास सुविधा, हाउसिंग फैसिलिटी। विधि के अनुसार श्रमिक संगठन बनाने के लिए आवश्यक कर्मकारों की न्यूनतम संख्या है, मिनिमम वर्कर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन एज पर लॉ इज? तो दोस्तों 140 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम विधि को प्रवर्तित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों 141 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। लेबर लॉ इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी एम्फोर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम भारतीय श्रम संगठन का प्रारंभ हुआ है, कब हुआ है? तो दोस्तों 142 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1928 में भारत में प्रथम भारतीय श्रम संगठन का कार्यालय प्रारंभ हुआ। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज मेड इन। तो 143 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1969 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। भारत ILO शासी निकाय का स्थायी सदस्य है, कब से? तो दोस्तों 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1922 से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेतन संदाय अधिनियम के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए, एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट द वेज मस्ट बी पेड ऑन 7th वर्क डे, 10 वर्किंग डे, एनी वर्किंग डे, एनी हॉलीडेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 145 का वो है ऑप्शन सी, किसी भी कार्यकारी दिवस पर, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन ये लेबर में आता है। तो 146 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 में। मार्क्सवादी उपागम में वेतन संबंधित विवादों से संबंधित संबंध संस्था है, द मार्क्सिस्ट अप्रोच कंसर्न विच वेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर? तो दोस्तों जो 147 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, द्वितीय, सेकेंडरी। कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के रख रखाव का उत्तरदायित्व है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी इज द इज विद। तो दोस्तों 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन सभी का, नियोक्ता का
जिसने जॉब दिया है वो सरकार का और कर्मचारी का, खुद का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष से प्रवर्तित हुआ? इन विच ईयर वाज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनेक्टेड? तो दोस्तों 149 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1948 से। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वयस्क का अर्थ वह व्यक्ति जिसने डैश डैश की आयु पूर्ण की गई हो। तो दोस्तों जो 150 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 18 वर्ष की आयु, ठीक है, अडल्ट एज 18 वर्ष ही मानी जाती है। तो अब अगले इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। डिवॉइड ऑफ ऑल होप, तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं आपको, ये तीन आए हुए हैं तो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का भी एक 100 क्वेश्चनों का वीडियो डाला है, देख लीजिएगा, उसमें यही चीज़ें शेयर की है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स हो गया, और आपका सिनोनिम्स और एंटोनियम्स हो गए, ठीक है। तो 151 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेस्परेट, डिवॉइड ऑफ ऑल होप, इनकैपेबल ऑफ बींग करेक्टेड। तो दोस्तों 152 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनकॉरिजिबल, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बींग करेक्टेड, तो इनकॉरिजिबल, ठीक है। 153, समथिंग नॉट रिवेल्ड, तो दोस्तों 153 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंसील्ड। तो 154 से लेकर के क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें एडजस्ट करना है। तो 154 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डू नॉट इन्वेड अदर्स प्राइवेसी, शी हैज़ फर्म डैश डैश इन हर सेल्फ। तो दोस्तों 155 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शी हैज़ फर्म बिलीफ इन हर सेल्फ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। आई वॉज फॉर्चुनेट डैश डैश हैविंग गुड हिज दिस बुक डैश डैश द लाइब्रेरी। तो दोस्तों 156 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आई वॉज फॉर्चुनेट इन हैविंग गॉट दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका था बी ए, इसका था ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157 का, द लास्ट स्ट्रॉ, तो आपको इसका करेक्ट मीनिंग चूज करना है, द लास्ट स्ट्रॉ। तो दोस्तों 157 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द डिसीव्स एक्ट इज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, नीड ऑफ द हावर। तो दोस्तों 158 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द रिक्वायरमेंट ऑफ गिवन मिनट टाइम, टॉय द लाइन। तो दोस्तों 159 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉलो। अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग देखना है अब इसमें, चेस्ट। तो दोस्तों 160 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इमोरल। 161 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रीफ, वर्बोज का ब्रीफ, नेबुलॉज। 162 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टल क्लियर, नेबुलॉज, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन 163। तो आजीवन में समास, आजीवन में कौन सा समास है? तो दोस्तों 163 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। तो दोस्तों 164 का राइट आंसर है अधित्यका का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों 165 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उपत्यका। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसलिए याद रख लीजिएगा, हेल्प करेगा। मात्र प्लस आज्ञा, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 166 का वो है ऑप्शन बी, मात्राज्ञा। जैसा कि मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस भी किए हैं हिंदी के कुछ, लेकिन कंप्लीट नहीं किए हैं क्योंकि आपका सही रिस्पांस नहीं आ रहा है हिंदी के प्रति, क्योंकि उसमें टाइम और काम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका उस तरह का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है हिंदी के वीडियो के प्रति, इसलिए मेरा भी टाइम वेस्ट होता है जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जिस चीज़ पर आप रिस्पॉन्स करते हैं मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। तद्भव शब्द है, तो दोस्तों 167 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुरंत। कामदेव का पर्यायवाची है, तो दोस्तों 168 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये डिस्कस भी किया था, कंदर्प, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है। चरण से उपसर्ग शब्द बनता है, तो दोस्तों 69 का जो राइट आंसर है 169 वो है ऑप्शन सी, चरण कमल।
ठीक है, उपसर्ग जो पहले लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बार बार। आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों 170 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विपरीत हो जाना। तो दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी नहीं था लेकिन ज़रूरी है, जो सीरियस एस्पायरेंट है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और भाई लोगों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भाई लोग पीएचडी से पहली बार जुड़ रहे थे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मॉक टेस्ट को प्लीज़ देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।